जय माता दी दोस्तों, आपकी ट्रेन ने आपको उतारा है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और आप जाना चाहते हैं कटरा, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा। तो आज हम आए हैं आपको लेके इसी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और हम आपको आज बताएंगे कि आप यहाँ से कटरा तक कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जम्मू से कटरा तक जो रेलवे ट्रैक है उस पर काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं। ले ट्रेन की और आपको केवल जम्मू तक की ट्रेन अगर मिली है तो आप एक चीज़ ये भी ट्राई कर सकते हो कि स्टेशन पे आके पता कर सकते हो कि अगली ट्रेन कौन सी कटरा तक जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस रूट से आप आए हो उस रूट के अलावा भी कई सारे रूट से यहाँ ट्रेन चलती हैं, तो आपको हो सकता है कि किसी दूसरे रूट से आती हुई ट्रेन आसानी से मिल जाए। लेकिन हर बार समय ऐसा नहीं होता, हर बार ट्रेन अवेलेबल नहीं होती, और इसीलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो है बस से जाना। तीसरा तरीका भी होता है जो कि होता है कैब, लेकिन उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप कैब करके जा सकते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे सस्ते और टिकाऊ तरीके बस के बारे में। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकलते हैं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बाहर निकलोगे रेलवे स्टेशन के, तो रेलवे स्टेशन के सामने से ही सीढ़ियाँ नीचे जाती है और वहाँ पर है टैक्सी स्टैंड। और अगर आप उन सीढ़ियों का यूज़ नहीं करते हैं, आप रोड से जाते हैं दाईं तरफ से घूम के, तो आगे से घूम के आप बस स्टैंड में ही आने वाले हैं। तो टैक्सी स्टैंड को क्रॉस करते ही बस स्टैंड आ जाता है दोस्तों, और यहाँ पे ढेरों सारी बसेस खड़ी रहती हैं। आपको अलग अलग किस्म की बसें मिल जाएंगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पर प्राइवेट बसेस जनरली खड़ी रहती हैं, और जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं उसके लिए आपको थोड़ा राइट साइड में अंदर घूमना पड़ेगा। तो आप दोनों ही टाइप की बस आसानी से कर सकते हो, और मेरे ख्याल में शायद मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जो गवर्नमेंट की बसेस थी वो थोड़ा सा बेटर थी, और वो हम जिस प्राइवेट बस से जा रहे थे उसको उसने दो तीन बसेस ने क्रॉस भी किया। प्राइवेट बस का किराया दोस्तों 80 रुपये से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल बस का, और यहीं बढ़ता रहेगा। एसी बस भी चलती है 130-160, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उतना किराया। तो आप 80 से लेकर 160 रुपये के बीच में अलग अलग कोई सी भी बस कर सकते हैं और इजीली जा सकते हैं। हालांकि रास्ता बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इस पर भी बस एक हॉल्ट लेती है किसी ढाबे पे जा करके, और वहाँ पे जनरली मैंने देखा कि सारी बसें रुक रही थी। वहाँ पे आके ये एसी वाली बस भी रुकी थी, और एसी वाली बस जो थी ये गवर्नमेंट की भी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट जो हॉल्ट टाइम था, जो प्राइवेट बस वाले थे वो आराम से बैठे हुए थे, और गवर्नमेंट वाली बस निकल गई थी और प्राइवेट वाली बस उसके पीछे पीछे चली थी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको बस वगैरह बहुत इजीली मिल जाएगी। और सब लोगों के दिमाग में जो मेन क्वेश्चन है कि अब इसमें हमें टाइम कितना लगेगा, हम किस तरीके से प्लान करें, क्योंकि हम जब वैष्णो देवी की यात्रा में आते हैं तो हमारे दिमाग में प्लान रहता है कि हमें इतने बजे यहाँ पहुँचना है, इतने बजे यहाँ पहुँचना है। तो आपका जम्मू में आप जब बस चलती है वहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे लगाती है बस, हालांकि 1.5 घंटे का रास्ता मान के चलो, लेकिन बस स्टॉप भी लेती है रास्ते। तो आप 1.5-2 घंटे मान के चलो, मैक्सिमम 2 घंटे लगाएगी बस, और रास्ता बहुत ही सही है, खुला हुआ रास्ता है, डबल साइडेड रोड है, आराम से आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि जिस दिन हम गए थे उस दिन बस ने हमको जो मेन बस स्टैंड है जहाँ पे पुराना बस कटरा चौक के पास जो उतारती थी वहाँ नहीं उतारा था, उसने थोड़ा पीछे उतार दिया था। रीज़न ये था कि बता रहे थे कि आगे कुछ रोड ख़राब हो गई है, टूट गई है, तो उन्होंने थोड़ा पीछे उतारा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे रेलवे स्टेशन से आप जा रहे हैं तो ट्रेन आपको बिल्कुल ट्रेन स्टेशन पर उतारती है, बट बस में कभी कभी ये दिक्कत आ सकती है कि आपको थोड़ा आगे पीछे उतारा जाएगा। तो वहाँ से आपको हालांकि जाने के लिए ऑटो या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आपका होटल वगैरह पास में है, बट जब आप जम्मू में एंटर करते हैं तो आपका जो नेटवर्क होता है नेटवर्क सिम नहीं चलता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप ये यहाँ पर जाके सर्च नहीं कर सकते कि अब मेरा होटल कितना दूर है या मैं कहाँ पर हूँ, या उसको कॉल भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो वो चलना बंद हो जाएगा, हालांकि पोस्टपेड सिम चलते रहते हैं। आप चाहें तो जम्मू में जा करके एक सिम खरीद सकते हैं जो 1 महीने के लिए वैलिड होगा, और वो आपको 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ का सिम चेंज करके वहाँ का लोकल सिम होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। आपको बस जम्मू स्टेशन से इजीली मिल जाएगी, बस को आपको पहुँचाने में लगेगा करीब 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे बोल रहा हूँ, 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। और इसके अलावा आपको बस का किराया लगभग लगेगा 800 रुपये, और बस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर चलती है, कभी कभी तो जब ट्रेन आती है तो 20-25 बसें साथ में भी निकल जाती हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय माता दी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अगर कुछ मिस हो गया तो वो आप दूसरों के लिए ज़रूर ऐड करें। जय माता दी।